डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी कैपेसिटर टॉपिक में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जिसमें कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हम लोग पढ़ लिए थे। उसी से रिलेटेड ये भी है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग करेंगे। सेकंड लॉ का यूज़ करके व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट पढ़ेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर कैपेसिटर सर्किट। ऑलरेडी याद रखना कि व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग रेजिस्टेंस सर्किट के लिए भी पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के लिए भी और कैपेसिटर के लिए। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ कैपेसिटर में पढ़ेंगे, उसी तरह से एकदम से रेजिस्टेंस में भी पढ़ेंगे। इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनता है, आसान होता है, जिसमें कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। बैलेंस कंडीशन क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज का, इसका प्रूफ करना होता है। तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट, इसका कंडीशन हम लोग को क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट को भी समझा जाए, व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट एक बनाया जाए, और क्वेश्चन से आइडिया लग ही जाता है कि जो क्वेश्चन दिया है वह बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। और अगर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो क्वेश्चन एकदम आसान होता है, या फिर उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम लोग को सीखना है। इसके लिए यहाँ पर एक सर्किट बना रहे हैं, एक कैपेसिटर यहां बना रहे हैं, एक यहां पे, टोटल चार कैपेसिटर्स हैं। देख रहे हो टोटल कितने कैपेसिटर्स, फोर कैपेसिटर्स। इसका नाम दिया जाता है ए, बी, सी और डी। ये होता है C1, ये होता है C2, C3, C4 और यहाँ पर एक सोर्स लगा दिया जाता है, ABCD, यहाँ पे सोर्स। तो एक सेल लगा देंगे, ठीक है। ये सर्किट्स में चार कैपेसिटर्स हैं टोटल। अब इसमें खास बात तुम ये देखो कि अगर यहां पर हम लोगों को टोटल कैपेसिटेंस अगर फाइंड करना है, तो यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां से जो चार्ज चलेगा, देखो यहां से जो Q चार्ज चलेगा वो इधर जाएगा Q1, इधर आ जाएगा Q2, ठीक है, Q1 और Q2, और ये Q1 चार्ज इधर निकल आएगा, ये Q2 चार्ज इधर निकल आएगा, और ये दोनों मिलके पुनः कितना हो जाएगा Q। अब देखो तो ये चूंकि Q1 चार्ज इधर जा रहा है, तो इसलिए दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है। तो C1 C2 सीरीज में, C3 C4 सीरीज में, और फिर दोनों पैरेलल में, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज दिखाई दे रहा है, ऐसे भी सीरीज दिखाई दे रहा है, फिर पैरेलल हो जा रहे हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होता है जब यहां भी एक कैपेसिटर ये लगा देते हैं, क्लियर, देख रहे हो यहां भी ये एक कैपेसिटर लगा दिए C5। अब तुम देखो, अब ना कोई सीरीज है ना कोई पैरेलल है, भाई बीच में ये लग गया तो कुछ चार्ज इधर भी आएगा, तो अब ये सीरीज नहीं रह जाएगा, ये सीरीज नहीं रह जाएगा, पैरेलल है। अब निकालो इसका कैपेसिटेंस, अब दिक्कत किया कि नहीं किया। तो ऐसे सर्किट में यह देखना पड़ता है कि कहीं ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है, बैलेंस सर्किट तो ये नहीं है। अगर ये बैलेंस होगा तो ऐसे में क्या होगा कि ये चार्ज इधर निकल जाएगा, ये चार्ज इधर निकल जाएगा, इधर कोई चार्ज नहीं आएगा। तब जब बैलेंस होगा तो उस समय ये यहां से हट जाएगा, बीच में से हट जाएगा। अगर सर्किट बैलेंस होगा तो उस समय ये यहां से हटेगा, फिर ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, फिर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो तुम कहोगे कैसे पता चलेगा सर्किट देख करके कि सर्किट बैलेंस है कि नहीं है? तो वो कंडीशन होता है, सर्किट देख के तुम बता सकते हो कि अगर इसका और इसका रेशियो, C1 और C2 का रेशियो, C1 अपान C2 अगर बराबर हो जाए C3 अपान C4 के,
सी वन अपान सी टू इक्वल टू सी थ्री अपान सी फोर अगर हो जाए, ये अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो सर्किट बैलेंस होता है, और जब सर्किट बैलेंस होता है तो ऐसे में इसमें कोई चार्ज फिर नहीं आता। क्यों चार्ज नहीं आता? क्योंकि उसमें सी और डी दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं, और जब सी और डी सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं तो सी और डी के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। कोई पोटेंशियल डिफरेंस न होने के कारण फिर बीच में चार्ज नहीं आता, और जब यहाँ चार्ज नहीं आएगा तो फिर इस कैपेसिटर का कोई मतलब फिर यहाँ पर नहीं रह जाता है, और ऐसे में ये दोनों सीरीज हो जाते हैं, फिर ये दोनों सीरीज हो जाते हैं, फिर ये पैरेलल में होकर के नेट कैपेसिटेंस आ जाता है। तो कैसे पहचानेंगे कि बैलेंस स्टेट में ब्रिज? तो सी वन अपान सी टू इज इक्वल टू होना चाहिए सी थ्री अपान सी फोर। जैसे मान लो यहाँ पर है 10 माइक्रोफैरेड, यहाँ है 20 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर है 10 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे 20 माइक्रोफैरेड, तो दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं बराबर आ रहा है? तो जब सी वन अपान सी टू सी थ्री अपान सी फोर के बराबर होता है तो इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। उसको हमें भी प्रूफ भी करेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को प्रूफ करो जिससे सर्किट क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। जब सर्किट बैलेंस होगा तो इस बीच में कोई भी कैपेसिटर लगा दो, वहां कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। फिर उसको वहां रखो या ना रखो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की विशेषता होगा कि अगर उधर चार्ज जाएगा तो वो इंडिकेट करेगा कि चार्ज जा रहा है, नहीं जा रहा है तो जीरो रीडिंग देगा। इसलिए प्रैक्टिकली यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर में इस तरह से एक बनाया जाता है सिंबल, और हम इस समय मान के चल रहे हैं कि ये जो चार्ज चल रहा है ये इधर निकल जा रहा है, ये चार्ज इधर निकल जा रहा है, इधर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, हम मान के चल रहे हैं। मतलब ये गैल्वेनोमीटर के रीडिंग जानते हो क्या है, जीरो है, ये जीरो रीड कर रहा है। अगर ये जीरो रीड कर रहा है तो निश्चित है कि सर्किट क्या है, बैलेंस है। अब जब बैलेंस है तो ये कंडीशन हम प्रूफ कर लें, जब कंडीशन प्रूफ करेंगे तो आएगा सी वन अपान सी टू इज इक्वल टू सी थ्री अपान सी फोर। प्रूफ करने के लिए हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ का क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। इसके लिए एक बार इस लूप में देखो, इसमें हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे इस लूप में, और एक बार इसमें ऐसे अप्लाई करेंगे इस लूप में। एक बार इसमें अप्लाई कर लें किरचॉफ फर्स्ट सेकंड लॉ, इसमें अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ, दो बार अप्लाई करके दोनों सर्किट में, और उसके बाद से दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर प्रूफ कर लेंगे सी वन अपान सी टू इक्वल टू सी थ्री अपान सी फोर, वही होगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। ऐसी प्रूफ करने में ये भी प्रूफ हो जाएगा कि बैलेंस कंडीशन में सी और डी दोनों सेम पोटेंशियल पे होते हैं, और सी और डी दोनों सेम पोटेंशियल पे होने के कारण उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, इसलिए उन दोनों के बीच कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता, जिससे कि ये कंडीशन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है। तो देख रहे हो क्या फाइंड करना है, टू डिटरमाइन कंडीशन और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। हेडिंग हमने लिख दिया अलग से, वो कंडीशन प्रूफ करना व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो वो कंडीशन क्या होगा, वो कंडीशन होगा सी वन अपान सी टू इज इक्वल टू सी थ्री अपान सी फोर। तो देख लो, एक बार हम लोग इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई कर लेंगे, इसमें इन सर्किट ए सी डी ए अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज ला केवीएल, केवीएल अप्लाई कर दो इन क्लोज लूप ए सी डी ए, ए सी डी ए में अप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखो हम लोग ए पॉइंट से चल रहे हैं तो लिख लेंगे वी ए, चार्ज के डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए माइनस होगा क्यू वन अपान सी वन, आ गया हो अब ये आ रहा है देखो, तो देखो इधर से ऐसे चल रहे हो ना, ऐसे ऐसे जा रहा है और चार्ज उधर से आ रहा है अपोजिट, तो ये प्लस हो जाएगा Q2 अपान C3, फिर A पॉइंट पे आ गए, A पे रुकना है इज इक्वल टू वी ए, वी ए से वी ए कैंसिल आउट हो गया,
यहां से आ गया Q1 अपान C1 इज इक्वल टू Q2 अपान C3। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, Q1 अपान C1 इज इक्वल टू Q2 अपान C3। नाउ इन क्लोज लूप, इसमें देखो CBDC, इसमें अप्लाई करें तो चलो C से चल रहे हैं तो VC चार्ज के डायरेक्शन में, Q1 अपान C2 प्लस Q2 अपान C4। यहां पर माइनस इसलिए चार्ज के डायरेक्शन में, यहां प्लस इसलिए चार्ज का पूरी डायरेक्शन में। फिर घूम के सी पर आ गए, इक्वल टू वी सी से वी सी कैंसिल आउट हो गया तो यहां से बचा -Q1 अपान C2 प्लस Q2 अपान C4 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया Q1 अपान C2 इक्वल टू Q2 अपान C4। ये देख रहे हो आ गया सेकंड इक्वेशन। और जब दो इक्वेशन मिल गया तो ऐसे में अब हम लोग क्या करें, फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दें। फर्स्ट अपॉन सेकेंड तो डिवाइड करेंगे तो आएगा Q1 अपान C1। देखो इसमें जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये पलट जाएगा, हो जाएगा C2 अपान Q1 इज इक्वल टू Q2 अपान C3 इंटू C4 अपान Q2। ये Q1 से Q1 कैंसिल आउट हो गया, Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो गया, C2 अपान C1 इक्वल टू C4 अपान C3। अब इसको पलट दें तो पलट देंगे तो आ जाएगा C1 अपान C2 इक्वल टू C3 अपान C4। देख रहे हो C1 अपान C2 इक्वल टू C3 अपान C4। तो यही हम लोग कंडीशन अप्रूव कर लिए, इसी को कहेंगे कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यही है व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। जब इस सर्किट में हम लोग ऐसा देखेंगे कि C1 अपान C2 C3 अपान C4 के बराबर है तो ये देखते ही हम लोग का समझ में आ जाएगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। इस समय इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ कैपेसिटर रहे चाहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो बीच में कैपेसिटर रहेगा उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, हटा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दिस कंडीशन यानी जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा
इन दिस कंडीशन, यानी जब बैलेंस ऑर्डिनेशन ब्रिज रहेगा तो उस समय सी और डी सेम पोटेंशियल पे होगा. इस समय पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, इसलिए सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डियर जीरो हो जाएगा. सी और डी के बीच कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. हैंस नो एनी चार्ज, नो एनी चार्ज इज फ्लोइंग इन सी डी. सी डी में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा. दैट इज नल डिफ्लेक्शन, दैट इज जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. इस समय गैल्वेनोमीटर में डियर जीरो डिफ्लेक्शन होगा. गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं फ्लो होगा. और इस समय अगर इस गैल्वेनोमीटर के स्थान पर अगर कोई भी कैपेसिटर कनेक्ट है तो उसको वहां से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा. क्यों हटा देंगे? क्योंकि उसमें चार्ज ही नहीं फ्लो होगा. ठीक है, इन दिस कंडीशन एनी कैपेसिटर, एनी कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी कैन बी नेग्लेक्ट. सी और डी के बीच अगर कोई भी कैपेसिटर इस समय कनेक्ट है तो उसको नेग्लेक्ट करके क्वेश्चन क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए. हेंस अब यहां पर अगर हम लोगों को ए और बी के बीच अगर नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, इसमें ए और बी के बीच तो चूंकि बैलेंस है, इसमें कोई चार्ज नहीं जा रहा है, इसलिए ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे. तो हो जाएगा सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे सी थ्री सी फोर अपॉन सी थ्री प्लस सी फोर, फिर दोनों पैरेलल में हो जाएंगे. तो हो जाएगा सी वन सी टू अपॉन सी थ्री प्लस सी फोर, सॉरी अरे सी वन सी टू सीरीज में है ना, तो सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, और ये दोनों सीरीज में है सी थ्री सी फोर. तो हो जाएगा सी थ्री सी फोर अपॉन सी थ्री प्लस सी फोर, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि आपस में क्या है, पैरेलल है. ठीक है, ये नेट कैपेसिटेंस इस समय आएगा. और हमने इसके पहले कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑर्डिनेशन ब्रिज भी प्रूव कर दिया, और वो क्या था, सी वन अपान सी टू इक्वल टू सी थ्री अपान सी फोर. ये कंडीशन होता है बैलेंस ऑर्डिनेशन ब्रिज का, उसी को देख करके पता किया जा सकता है कि सर्किट बैलेंस है कि अनबैलेंस है. तो जो बैलेंस सर्किट होता है बीच में से कैपेसिटर हटा दिया जाता है, ऊपर दोनों कैपेसिटर सीरीज हो जाते हैं, नीचे दोनों कैपेसिटर सीरीज हो जाते हैं, फिर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके आराम से चुटकी बजा के क्वेश्चन को क्या किया जाता है, डियर सॉल्व किया जाता है. अब आओ डियर हम लोग इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व.